नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद लोगों का दिल जीत लिया। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने आए थे तो उनके गले में जो गमछा था वो गमछा मजदूरों का गमछा था। वो गमछा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गले में लगा टांग रखा था, पहन रखा था, वो मजदूर गमछा पहनते। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा जो है दांव खेला है और उत्तर प्रदेश की जनता को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई थी मीडिया की और लोगों की भी। और जब लोगों ने देखा कि पीएम मोदी ने एक आम सा गमछा पहन रखा, वो गमछा जो लोग पहनते हैं, जो मजदूर पहनते हैं, तो ये देखा गया कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जनता का और झुकाव होता नजर आ रहा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और माना जा रहा है कि इस 80 में से 70 या 75 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर जो काम कर रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश की जनता का दिल कैसे जीत लेते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।